वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब ऑनलाइन मस्त क्लासेस देख रहे हैं। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आप सबको क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही आसानी से आप अनिश्चित समाकलन के ये दोनों क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और है ना पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपके हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12 इंटीग्रेशन में 2x/1 + x² dx और दूसरा सवाल है log x/log x² dx। समाकलन करना है और ये समाकलन का अनिश्चित प्रकार है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम उस फंक्शन को सूच करेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन आता हो, जैसे कि x² का है ना आपका डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसलिए इसमें ना मान के बनाना होता है। तो मानेंगे कि माना कि y = 1 + x², ठीक है, और मानने के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे कि dy/dx, तो d1/dx और फिर प्लस dx²/dx। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy/dx, 1 का तो 0 हो गया, ये हो गया 2x, इस तरह से dy बराबर आ जाएगा 2x। समझ में आया, dy बराबर आपका हो जाएगा 2x dx। अब क्या करना है, इसलिए अब हमारे पास क्वेश्चन था 2x dx, इसके जगह पर लिख सकते हैं dy। 2x dx को लिया 1 + x² को क्या बन गया वाई। अब आप लोग जानते हैं कि 1/y क्या होता है, log y अनिश्चित समाकलन है, एक लगा दीजिए। अब क्वेश्चन आपका वाई में नहीं था, एक्स में था, एक्स में आंसर भी लिखा जाएगा, तो लॉग वाई, वाई का मान है 1 + x² प्लस के आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें भी मान लेते हैं, माना कि ठीक है इसमें भी आपको ना ऐसा फंक्शन को चूज करना है जिसके मानने से अगला फंक्शन आता हो, जैसे कि log x मानते हैं वाई बराबर, तो log x मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो dy/dx तो आपका होगा d log x/dx। तो इस तरह से dy बराबर आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और dx यहाँ आ गया, तो dx/x को क्या कह सकते हैं dy, और इसको क्या माने थे log x को y, तो y हो गया और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx/x को क्या कह सकते हैं dy। अब समाकलन के विधि के अनुसार पावन की एक वृद्धि, तो 3/3 प्लस के, तो y में क्वेश्चंस नहीं था, क्वेश्चंस x में था, तो x में लिखेंगे और y का मान है log x, तो log x के पावर 3/3 और प्लस के, ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों, तो इस तरह से आपको बनाना है। समझ में आ गया ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने साथियों में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।